जबकि सिद्धू और उनकी पत्नी को लोग अब भी हादसे के लिए कसूरवार मान रहे हैं। इसीलिए हादसे का शिकार हुए कुछ लोग ऐसे भी थे जो सरकारी चेक लेने की बजाय सड़क पर नारेबाजी कर रहे थे और सिद्धू की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। सड़क पर सैकड़ों लोग वी वांट जस्टिस के बैनर लेकर सड़कों पर उतर गए। सिद्धू के खिलाफ हाय हाय के नारे लग रहे थे। विरोध दर्ज कराने के लिए कई लोग अपनी पगड़ी पर काली पट्टियां बांधकर सड़क पर उतरे थे। लोगों की भीड़ सिद्धू का पुतला लेकर सड़क पर उतरी थी। सिद्धू के 10 सिर वाले पोस्टर भी बनाए गए जिनमें सिद्धू को ही रावण बनाकर दिखाया गया। सिद्धू का पुतला चौराहे पर पहुंचकर आग के हवाले कर दिया गया। ये हादसे के बाद सिद्धू के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा था जिसे सिद्धू भी महसूस कर रहे हैं, इसलिए पूरा दिन सिद्धू मीडिया के सवालों से भागते रहे। तो लगातार नवजोत सिंह सिद्धू मीडिया से बचते घूम रहे हैं। देखिए उनका अभी यहाँ से काफिला निकला है। नवजोत सिंह सिद्धू किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे और जो लगातार क्वेश्चन उठ रहे हैं उसको लेकर वो कोई भी सफाई कोई भी जवाब नहीं दे रहे। उनके साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा सुनील जाखड़ जो कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ से निकल रहे हैं लेकिन वो भी किसी भी सवाल का जवाब आखिरकार नहीं दे रहे हैं। सिद्धू मीडिया के आगे आगे चलते रहे, थोड़ी देर में गाड़ी में बैठ गए। मीडिया सवाल पूछता रहा लेकिन सिद्धू ने शीशा तक नहीं झुकाया। सिद्धू की ये परेशानी इसलिए थी क्योंकि कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जिनसे ये साफ होता है कि हादसे के वक्त सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू मंच पर ही मौजूद थी। जबकि नवजोत कौर सिद्धू ने दावा ये करती रही कि हादसे के वक्त वो रावण दहन का कार्यक्रम छोड़कर जा चुकी। उन्हें बाद में फोन पर हादसे की खबर दी गई। जबकि उनके दावे को झूठा साबित करने वाले कई वीडियो सामने आए हैं। इनमें एक वीडियो तो अकाली दल के नेता ने ही ट्विटर पर डाला। वीडियो में नवजोत कौर सिद्धू मंच पर बैठी दिखाई दी। उनके साथ कई कार्यकर्ता बैठे थे जो फोटो खिंचवा रहे थे। इसी वीडियो में सामने रावण जलता हुआ भी दिखाई दिया। उसी वक्त स्टेज से अनाउंसमेंट होती हुई भी सुनाई दी। कहा गया कि बहुत लोग मर गए हैं। बहुत बंदे मर गए अगर मिट्टी पाजी थोड़ा ध्यान दो ट्रेन का चलने बहुत बंदे आ गए ट्रेन का नहीं बंदे तो प्लीज कोई बंद कर दो सारा कुछ बंद कर दो। इस वीडियो से पहले कुछ तस्वीरें और भी ऐसी आ चुकी थी जिनमें स्टेज पर नवजोत कौर सिद्धू सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रही थी। तो सिद्धू की पत्नी के दावे की पड़ताल हादसे के पहले वीडियो पर भी शुरू हो गई। वीडियो में रावण का पुतला जलने के केवल 30 सेकंड बाद तक ही आतिशबाजी की आवाज़ सुनाई दी। जलता हुआ रावण का पुतला केवल 30 सेकंड ही दिखाई दिया। महज 30 सेकंड के बाद हॉर्न बजाती हुई ट्रेन रेलवे ट्रैक पर लोगों को कुचलती हुई चली गई। ट्रैक से गुजरने में ट्रेन को केवल 6 सेकंड का वक्त लगा। यानी नवजोत कौर सिद्धू के मुताबिक रावण दहन होने के बाद केवल 36 सेकंड में उन्होंने सेल्फी चाहने वाले लोगों को खुश भी कर दिया, फिर स्टेज से उतर गईं, भीड़ से होती हुई गाड़ी तक पहुंच गईं, प्रोग्राम से रवाना भी हो गईं और अगले रावण दहन के कार्यक्रम में भी पहुंच गईं। यानी उनका ये दावा गले नहीं उतरता कि हादसे के वक्त वो कार्यक्रम में मौजूद ही नहीं थी। लेकिन हादसा तो इसलिए हुआ क्योंकि रेलवे ट्रैक के बेहद करीब इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ और भीड़ को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। तो विवाद दशहरा कराने वाली संस्था से जुड़े सौरभ मदान मिट्ठू से भी जुड़ा है। कांग्रेस नेता सौरभ मदान मिट्ठू का भी वीडियो सामने आया जिसमें वो भीड़ को उकसाने वाला भाषण दे रहे हैं। मंच से दावा किया जा रहा है कि चाहे कितनी भी ट्रेन गुजर जाए भीड़ नहीं हटेगी। कोई फिक्र नहीं लेना जाना नु भावे 500 गड्डियां लग जा 5000 से ज्यादा बंदा लेना देख लो चाहिए। वीडियो शनिवार को सामने आया था और उसके बाद से ही मिट्टू की तलाश शुरू हो गई। सोमवार को मिट्टू ने एक नया वीडियो जारी किया। मिट्टू की भाषा ही नहीं उसका रंग भी बदला हुआ था। कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण देने वाले मिट्टू ने दावा किया कि स्टेज से लोगों को हटने के लिए कहा जा रहा था। अनाउंसमेंट भी 5-7-10 बारी करवाई है, लाइना ते ना खलोवो, फिर मेरी हाथ जोड़ के बेनती है तुहाडे सारयां ने परिवार। लेकिन चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एक PIL दायर कर दी गई। अदालत से गुहार लगाई गई है कि मामले की जांच या तो CBI से कराई जाए या फिर एक SIT का गठन किया जाए।